रावण भी मरा था एक हिरण के चलते, एक हिरण के चलते पूरा रामायण हो गया था और दूसरे हिरण के चलते फिर से रामायण स्टार्ट हो गया। मुस्लिम के लिए केवल पर्सनल लॉ बना दिया जाता है, वक्फ बोर्ड बना दिया जाता है, हिंदू के लिए कुछ नहीं किया जाता। उस संविधान को हम क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे वैसा कानून, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे वैसा कानून। हम ये बताइए हमको बात, बाबू जी अब्बा जान का पैजामा पहन लेंगे ना छोटा भाई का, क्या बात करेंगे? अरे भैया जो कह रहे हैं कि जेल से क्या कर सकता है, तो मोदी जी जेल से, जोगी जी जेल से अतिक अहमद कर निकलवा के बाहर गोली मरवा सकते हैं गुंडा से। क्या लॉरेंस बिश्नोई दूसरा दाऊद इब्राहिम बनने की कोशिश कर रहा है? देखिए दूसरा दाऊद इब्राहिम तो नहीं, लेकिन दूसरा भगत सिंह जरूर है। मुंबई में खानों का राज है, मुंबई में मुल्लों का राज है, लेकिन एक लॉरेंस बिश्नोई के चलते सबके अभी आज फटा हुआ पड़ा है। हाफ शर्ट पहन कर सलामी देते थे लोग, क्या बात करेगा हाफ शर्ट पहन के, हाफ शर्ट पहन के बात कर रहे लोग। प्रियंका गांधी जो थी यासीन मलिक को अपने घर में बैठा के पेंशन दे दी थी, खाना खिला दी थी, ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ था? कश्मीरी पंडित का हत्यारा था, बताइए किस संविधान को माने? संविधान का ठीका केवल हिंदू लेके नहीं चला। देखिए रॉलेंस बिश्नोई जो बाबा सिद्दीकी को मारा है या सलमान खान को धमकी दे रहा है, ये आपका कहाँ से साबित कर सकते हैं कि रॉलेंस बिश्नोई उसके लोग या तुम कर सकते हो? या मदरसा छाप भी तो हो सकता है भाई, हाफ चड्डी वाला भी तो हो सकता है ना, हाफ चड्डी पहन करके मदरसा छाप वाला भी तो हो सकता है। आप आए दिन देखते होंगे, अरे अभी कश्मीर में क्या हुआ, अभी कश्मीर में क्या हुआ, बाबू जी अब्बा जान का पैजामा पहन लेंगे ना छोटा भाई का, क्या बात करेंगे, बात बोलेंगे यार? महारानी का दलाली करने वाला, गुलामी करने वाला, हाफ चड्डी पहन कर सलामी देते थे लोग, क्या बात करेगा हाफ चड्डी पहन के, हाफ चड्डी पहन के बात कर रहे लोग, गुलामी दलाली करने वाला। सर प्रदेश में छोटी छोटी घटनाएं पे एनकाउंटर हो जाती है तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं? देखिए हर एक जगह की ना सरकार जो है ना एक्टिव नहीं है। जैसे योगी जी है अपने राज्य में शांति चाहते हैं, बाकी जो राज्य है ना, बाकी जो सुनिए बिहार में, अभी देखिए बिहार के भागलपुर में, सुन भैया मदरसा छाप से बात करना यार, अपने आपको चट्टीधर से ये लोग वही चट्टीधर है इंदिरा गांधी, सुनो चट्टीधर इंदिरा गांधी जानते हो? अरे इंदिरा गांधी ना योगी जी, अरे शर्म आना चाहिए। एक बात बताओ सुनो, इंदिरा गांधी के नाम जानते हो ना? इंदिरा गांधी के नाम जानते हो कौन थी? इंदिरा गांधी भी ना चड्डी छाप का नाम ले रहे हो ना, जिस आरएसएस का, उसका सहयोग ली थी, आपका मदद ली थी, जानते हो? सब जानते हैं, कहीं नहीं जाने पर बन लगाते हैं कहाँ बन लगा, मदरसा छाप पूरा सरकार दो बार बन लगाते हाफ चड्डी पर, मदरसा साहब लोग। देखिए मदरसा साहब जब जब रहेंगे कोई भी मुद्दा पूरा नहीं होने देंगे। ये अपने ये था कि उत्तर प्रदेश में छोटी छोटी बातों पे एनकाउंटर हो जाता है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं? बाकी जगहों की सरकारें क्या कर रही है? पहली एक बात, ये मदरसा छाप वाले पत्रकार एक पत्रकार है समझ गए ना, लेकिन पत्रकारिता का सीमा को पार करके हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए अपने भी चैनल पर करवाते हैं और आपके भी चैनल पर करवाने आए हैं। ये मुद्दा फेक्ट कोई जगह नहीं, वैसा फेक्ट बात नहीं करेंगे। बात रही यूपी की, अगर यूपी में छोटी छोटी भी दंगा होती है तो उसको योगी जी है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, लेकिन अन्य राज्यों में नहीं होती है। अन्य राज्यों की जो सरकारें हैं आपका योगी जी जैसे एक्टिव नहीं है, बात वही है। आप जाके देख लीजिए एमपी में, देख लीजिए योगी जी का ही सेम रूप आए हैं। आप देख लीजिए आपका असम में, देख लीजिए हेमंत बिस्व शर्मा की बात किया जाए वहां भी देख लीजिए आपको शांति मिलेगी। बाकी जहां जो है बिहार में भी देख लीजिए कितना चर्चा शांति है, जहां जहां एनडीए की सरकार है बीजेपी की सरकार है अधिकतम जगह जो है शांति ही मिलेगी। छूट फूट जो है आपको अपहरण वाली केस या कोई भी जो है आपत्तिजनक जो क्रिया जो होती है वो होगी बाकी जगह जो है। इसीलिए अभी बिहार में देख लीजिए, बिहार के भागलपुर में आपको आपत्ति मुसलमानों द्वारा किस तरह से देवी देवताओं को तोड़ा गया, कल की बात है ये मुसलमान। बाकी जगह भाजपा की तो सरकार है ना? अच्छा एक बात बताइए, जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ एक भी गलती बताइए। जब 2023 में जब करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या होती क्या वो सही था? देखिए अब वो गलती किए होंगे तो बिल्कुल सही होगा, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन रॉयलिंस बिश्नोई जो अभी है जिम्मेदारी कौन लिया था, उसकी जिम्मेदारी कौन लिया? कोई नहीं लिया, अभी रॉयलिंस बिश्नोई अपने खुद तो नहीं लिए थे, वो कहे थे कि हाँ उनका गैंग लिया था, लेकिन उस समय भी हो कौन करेगा? देखिए आप कॉर्पोरेट आप कैसे बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट जो है रॉयलिंस बिश्नोई ही कर रहा है, क्योंकि वो 2004 से ही 2014 से ही लगातार वो जेल में बंद है। आप कैसे बोल सकते हैं जेल से बैठ के कोई भी आदमी कैसे कोई भी काम करवा सकता है? यानी आप लोग को भरोसा है कि रॉयलिंस बिश्नोई कुछ नहीं किया है? नहीं कुछ नहीं किया है, आप उसको फंसाया जा रहा है। क्या मान जान नाम सुने हैं? वो आतंकवादी है, बड़का आतंकवादी है, और ये भैया जो कह रहे हैं कि जेल से क्या कर सकता है, तो मोदी जी जेल से, जोगी जी जेल से अतिक अहमद कर निकलवा के बाहर गोली मरवा सकते हैं गुंडा से।
मोदी वो गोली मरवा सकते हैं। क्या मानते हो? अरे बढ़िया काम कर रहा है भाई, अपना विश्व अपने समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है। क्या अच्छा काम कर रहा है? अरे भाई आप आपके समाज सिखाता है कि किसी को हत्या करना, किसी को ये करना। अरे आप क्या हमारे, अरे आपका कलाबा, अरे आपके कलाबा को, अरे आपके कलाबा को काट के बिगा जाएगा तो आप उसको पुलिस को बुलाने जाइएगा। मतलब ये हो कि आप हत्या करना शुरू कर देंगे? अरे तो भाई आप पुलिस को बुलाएगा, उससे ज्यादा मैं आपको रेल देगा। पुलिस है, कानून कुछ नहीं है पुलिस। अरे अंधा कानून था, अंधा कानून। ये बात सही बता बोला है कि अगर कोई भी गलत करता है तो कानून है, लेकिन कानून हिंदुओं के लिए ही क्यों है? आप बताइए, सभी के लिए, सभी के लिए। यूपी के जो बहराइच में जो हुआ, अगर झंडा हिंदू अगर जाके ग्राम गोपाल मिश्रा जो है झंडा कवार देता है तो उसको पकड़ के घर में रख दे सकते थे। जब पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते वो संविधान के अनुसार से पुलिस को हवाले करते, उनको गोली मार देते, करेंट लगा देते, उनको कितना टॉर्चर हुआ, मरल मुर्दा के साथ में कितना टॉर्चर हुआ आपका पता है? तक सिर्फ क्या हुआ, क्या है? नहीं इसको बोल, इसको बोलने नहीं आता है इसको। लॉरेंस को क्या मानते हैं? लॉरेंस बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई को क्या मानते हैं? लॉरेंस बिश्नोई हमारे लिए बहुत हीरो आदमी। कैसे? सनातन के लिए काम करता है। जैसे? जैसे बता दे रहे कैसे। अभी मामला क्या चल रहा है? एक मिनट, एक मिनट। अभी मामला क्या चल रहा है? हिरण को मारने का मामला चल रहा है। तो हिरण बताइए बिश्नोई समाज के लिए बहुत पूजनीय होता है, ठीक है? अगर मान लीजिए हिरण की माँ अगर मर जाती है तो हिरण के बच्चे को बिश्नोई समाज की माँ जो होती है अपना दूध पिला के बड़ा करती है। अगर मान लीजिए कोई माँ के माँ से अगर किसी का बच्चा का छीन लिया जाए तो उस माँ को कितना दर्द होगा, कितना दर्द होगा। तो बस इसी के लिए आवाज उठाया गया बिश्नोई समाज। बिश्नोई देखिए लॉरेंस बिश्नोई क्या थे क्या नहीं थे, अभी जिस मामले में अगर निकल रहा है ना तो मेरे लिए हीरो है, मेरे लिए एकदम हीरो है। क्योंकि आपको हम बताते रहे लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, आओ बताते रहे अभी सलमान खान के, तीनों खान की अभी फटी पड़ी है, तीनों खान की अभी फटी पड़ी है, समझ गया ना। मुंबई में जो कहा जाता है कि मुंबई में खानों का राज है, मुंबई में मुल्लों का राज है, लेकिन एक लॉरेंस बिश्नोई के चलते सबके अभी आज फटा हुआ पड़ा है, समझ गया ना। सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। शुभम ये बताइए, अगर कोई भी अपराध करता है या कोई गलती करता है तो उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है, कानून है? हमारे देश में तो कोई हिंसा की जगह तो नहीं है? एक बात बताइए, संविधान का केवल ठीक है हिंदुए लेके चला है का? सभी के, सभी का। बताइए संविधान में फिर वक्त वोट हो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों आया? उधर मत जाइए, लॉरेंस लॉरेंस नहीं, लॉरेंस नहीं, लॉरेंस आपने बात नहीं, नहीं लॉरेंस नहीं। संविधान की जब बात होती है, अगर कोई अपराध करेगा तो, एक मिनट सुन लीजिए, अगर कोई अपराध करेगा तो उसके लिए संविधान है, पुलिस है, कचहरी है, कोर्ट है, ना कि कोई और है उसके लिए। अच्छा ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, कांग्रेस राज में कश्मीरी पंडित को हत्यारा यासीन मलिक को मनमोहन सिंह अपने घर में बैठा के मेडल क्यों देता है? वो क्या था, वो क्या था ये बताइए, वो कौन सा संविधान लिखा हुआ था, वो कौन सा कानून में लिखा हुआ था, हमें ये बताइए पहले। आप ये बताइए हमें, वो कौन सा कानून था, वो कौन सा कानून था जो यासीन मलिक को, वो कौन सा कानून था कि जो मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी, सॉरी सोनिया गांधी जो थी, यासीन मलिक को अपने घर में बैठा के पेंशन दे दी थी, खाना खिला दी थी, ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ था? कश्मीरी पंडित का हत्यारा था, बताइए किस संविधान को माने? संविधान का ठीक है केवल हिंदू लेके नहीं चला, सुनिए संविधान में भरोसा नहीं एकदम बिल्कुल, उस संविधान पे हमको भरोसा नहीं है। संविधान पे भरोसा था हमको जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखे 1947 में जो पारित हुआ उस पर हमको भरोसा है, ना कि 1954 के बाद संविधान पे हमको भरोसा है। जो जिस संविधान में एक मुस्लिम के लिए केवल पर्सनल लॉ बना दिया जाता है, वक्त वोट बना दिया जाता है, हिंदू के लिए कुछ नहीं किया जाता, उस संविधान को हम क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे ऐसा कानून, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे ऐसा कानून। हम ये बताइए हमको बात, आज जो लॉरेंस बिश्नोई किए हैं अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हिरण हिरण के लिए हुआ था। एक बताओ सुन लीजिएगा, रावण भी मरा था एक हिरण के चलते, एक हिरण के चलते पूरा रामायण हो गया था, और दूसरे हिरण के चलते फिर से रामायण स्टार्ट हो गया, और फिर से रावण का वध होगा। ऐसा है कि हमारे देश में हिंसा हो सकता है, इस बात पे किस बात पे हिंसा होने, जिस तरीके से अगर सब कोई लॉरेंस बिश्नोई बनते गया तो फिर आगे क्या होगा आने वाले समय में? हम तो सरकार से कहना चाहते हैं कि आप वक्त जैसे कानून हटाइए ना, संविधान दूसरा सीख लीजिए, उस संविधान का संशोधन क्यों किया गया ये बताइए आप हमको। आज सब कुछ देखिए, हम अगर राजनीतिक मुद्दा में चले जाएंगे ना तो बहुत आगे तक बोल देंगे। लॉरेंस पे आइए, बिल्कुल 2023 में जो करनी सेना के अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो हत्या हुआ क्या जायज था? देखिए हमने क्या बोला कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही गैंगस्टर थे वो अलग बात है, लेकिन अभी जो मैटर पे है ना उसके लिए हीरो हैं। पहले ही आपको एक चीज बोल चुके हैं, अध्यक्ष को भूल गया हम, वो नहीं जान रहे ठीक ना, हम अभी का बात कर रहे हैं। हमने पहले क्या नाम हुआ सौरभ कुमार, लॉरेंस को जानते हैं? जानते हैं लॉरेंस, अभी हीरो है। हीरो है कैसे का हीरो है, बस जान जब सबका मुझे सुन रहे हो। क्या नाम हुआ? सौरभ कुमार। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। लॉरेंस को जानते हो? जानते हैं। क्या मानते हो उनको? हीरो मानते हैं। कैसे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या अच्छा काम किए हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या वही तो पूछ रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, जो जिसको जिसको दिक्कत था। क्या चीज? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या भाई? हाँ बोलिए। लॉरेंस को जानते हैं? हम जाने हैं, सुने हैं। बिश्नोई हाँ। क्या मानते हैं उनको? तो डाउन है।
डाउन है तो डाउन है, लेकिन बाकी तो देशभक्त बता रहे हैं बाकी जनता। वो तो योगी बाबा बतावे देशभक्त का है, जे योगी बाबा के राज में रहेंगे ना तो वही बता सकते हैं कि देशभक्त है कि जनता भक्त है, वही बता सकते हैं। लेकिन उनका योगी बाबा से भी भेंट नहीं हुआ है, तब उनको पता चलेगा कि हम जनता है कि लॉरेंस इसमें जो किया वो सही है। देखिए अब उसमें के अंदर माफिया के काम है ना, सब उसमें अरबों का। लॉरेंस बिश्नोई दूसरा दाऊद इब्राहिम बनने की कोशिश कर रहा है। देखिए दूसरा दाऊद इब्राहिम तो नहीं, लेकिन दूसरा भगत सिंह जरूर है, दूसरे भगत सिंह जरूर है। क्योंकि हम बताए चाहे आजादी के पहले पंजाब की धरती से एक भगत सिंह ने जन्म लिया था, और आजादी के बाद एक भगत सिंह जन्म लिया है जो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जाना जाता है। लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं, अच्छी तरह मानते हैं उनको। ठीक है, अपना जो स्तर से कर रहा है, क्या कर रहा है अपने स्तर से, कर रहा है जो गुंडागिरी उसके साथ किया है वो कर रहा है, उसके समाज को जो सही है सही, हम नहीं कह सकते कोई क्राइम कर रहा है सही नहीं, लेकिन सलमान खान भी तो सही नहीं किया, जब मार दिया थी अपना युगो पे ले लिया, अभी तक माफी नहीं मांगा, माफी मांगने में क्या जा रहा है। सलमान खान तो सही हो जाएगा सर, सही हो जाएगा, वो जब मांग है वो रिजिड हो गया, उसका समाज भी इस चीज को कह रहा है कि सलमान खान मारा, अभी कभी कभी कह देता है कि सलमान खान मारवे नहीं किया, उसका बाप जो है सलीम खान 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया कि नहीं सलमान खान ने मारा।